वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जमान पाक से वज़ीर-ए-आला हाउस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान मुलाकात करेंगे। 100 रोज़ा प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब कैबिनेट के इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान का इजलास भी तलब। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का जमान पार्क में एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म के रहायशगाह की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई और धक्कम्पे। डिप्टी कमिश्नर के मुजाहरीन से मुजाकरात। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर में काले बादलों के डेरे। लाहौर में वक्फे से बारिश का स्पेल जारी। महकमा मौसमियात के 3 से 4 घंटे की तबाहकुन बारिश की पेशगोई। शदीद बारिश से दरियाए रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। फ्लड वार्निंग जारी। लाहौर डिवीजन में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वास्ता अमले की छुट्टियां मंसूख। निकासी आप के लिए 35 कैंप कायम। रावी के किनारे मुकीम अफराद को मोहतात रहने की हदायत। सुहाने मौसम में गवर्नर हाउस की सैर के मजे। गवर्नर हाउस दूसरे एतवार को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। शहरी फैमिलीज के हमरा बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस पहुंच गए। पौधों और फूलों का ख्याल रखें। खाने पीने की अशिया हमरा मत लाएं। इंतजामिया की हदायत। सैर सपाटे के लिए आने वाले असल शिनाख्ती कार्ड साथ लाना मत भूलें। गुज़श्ता एतवार को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। आज मामलात ठीक हैं। कौम में जज्बा और डिसिप्लिन मौजूद है। गवर्नर हाउस आवाम की मलकियत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। बोले पानी के मसाइल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के कायल हैं। भारत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर अफसोस हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगु। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इम्तिहान। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। लाहौर के 7 इम्तिहानी मराकज में 19,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने मेडिकल एंट्री टेस्ट दिया। डिप्टी कमिश्नर इनवारुल हक का पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर का दौरा। मेरिट को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। पर्चे की तैयारी और तरसील तक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। प्रोफेसर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगु। ट्रैफिक कालीन की धज्जियां उड़ाने वाले हो जाएं होशियार। आज से ई चालान का आगाज। सेफ सिटीज के कैमरों से तस्वीर बनेगी और चालान के पर्चे कटेगी। मोटरसाइकिल सवार भी खबरदार। हेलमेट पहने वरना 1,000 रखे तैयार। बिजली और गैस बम के बाद अब ट्रैफिक चालान बम भी तैयार। चालान फीस 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000% करने की तजवीज। कानून शिकनी पर मोटरसाइकिल सवार से 2,000 और गाड़ी चलाने वाले को 10,000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। डीआईजी ऑपरेशंस ने मरासला सीसीपीओ को भेजवा दिया। नए पाकिस्तान में कमजोर और गरीब को भी उनका हक मिलेगा। पाकिस्तान को उसकी असल मंजिल से हटाने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की अहलिया का बेटियों के हमरा SOS विलेज का दौरा। बेसहारा बच्चों और बच्चियों से मुलाकात। खुल मिल गए। बच्चों ने मेहमानों को तलावत कुरान पाक और मिली नखबे सुनाए। वज़ीर आला पंजाब की अहलिया का कहना है कि बेसहारा बच्चों का सहारा बनने से दीन और दुनिया दोनों मिलते हैं। दीगर शहरों में भी ऐसे इदारे बनने चाहिए। NA-124 ज़िमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लाहौर में डेरे।
लोहारी में इंतखाबी मुहिम लीगी कारकुन हाफिज अयाज के जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के इंतखाबात एसोसिएट क्लास के 4 नशस्तों के लिए 5 उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 229 वोटर्स हक़े राय दही इस्तेमाल करेंगे। और भारत और बांग्लादेश को हराकर कौमी डेफ टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। कौमी डेफ टीम का एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।